हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे इन्हीबिटर्स के बारे में इन्हीबिटर्स कौन से वाले इन्हीबिटर्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं तो हम ई टी एस या फिर ई टी सी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनके इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो ये इनहिबिटर्स करते क्या हैं सो दीज इनहिबिटर्स बेसिकली प्रिवेंट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज जो हमने कॉम्प्लेक्सेज पढ़े कॉम्प्लेक्स वन से लेके फोर तक हमने पढ़े थे तो उन कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन के पैसेज को रोक देने वाले सब्सटेंसेस या केमिकल्स को हम इनिबिटर्स बोलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स का पैसेज जब रोकते हैं तो ये कैसे रोकेंगे उसे किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ जो ये कॉम्प्लेक्सेज होते हैं फर्स्ट से फोरथ तक के तो ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं इनमें से किसी भी कॉम्प्लेक्स से वो बाइंड कर जाएंगे एंड देयर वुड बी नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टू अनादर वन तो यहाँ हो क्या रहा है तो आप इसे नॉर्मली लिख सकते हो दीज प्रिवेंट्स दीज प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स पैसेज ठीक है इलेक्ट्रॉन के पैसेज को प्रिवेंट कर देते हैं बाय बाइंडिंग टू अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बाय बाइंडिंग टू अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स अब वो कॉम्प्लेक्स वन टू फोर कुछ भी हो सकता है मोस्टली क्या होता है कि वाले कॉम्प्लेक्स से कोई इनहिबिटर बाइंड नहीं करता है मोस्टली जो बाइंड करते हैं वो बाइंड करते हैं फर्स्ट थर्ड या फोर्थ वाले इनहिबिटर से इसकी वजह से होगा क्या तो इसका जो आप ये लगा सकते हो इसका रिजल्ट क्या होता है तो इसका रिजल्ट होता है ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल जैसे हमने डिस्कस करी थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफर होता है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की साइड तो क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है या अपने पास स्टोर करके रख रहा है वो वाला रिड्यूस हो जाता है तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल चल रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर तो वो भी ब्लॉक हो जाती है ये वाली चीज नहीं हो पाती है जब भी इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं तो तो आप डिस्कस करते हैं हम कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं तो इसे मैं क्लियर कर लेती हूँ चलो कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं तो इनहिबिटर्स का हम नाम देख लेते हैं और वो कौन से कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं फर्स्ट एंड मेजर इनहिबिटर इज रोटेनॉन रोटेनॉन का नाम सुना होगा आपने रोटेनॉन एक इनहेबिटर का नाम है दैट बाइंड टू कॉम्प्लेक्स वन शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि आप नोट्स भी ऐसे ही बनाए आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है तो कॉम्प्लेक्स वन से ये बाइंड करता है ठीक है इट इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट ऑल्सो एक्ट एज और यू कैन से इट इज़ यूज एज अ फिश पॉइजन फिश पॉइजन की तरह इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर ऑर्गेनिज्म में होगा जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं तो फिशज जो होते हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है तो उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके उसको ब्लॉक कर देगा रोटेनॉन तो कॉम्प्लेक्स वन से बाइंड कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आगे नहीं हो पाएगा तो फिश पॉइजन की तरह इसे यूज किया जाता है इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह भी इसे यूज करते हैं इंसेक्ट्स भी जब एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे तो उस टाइम उनके कॉम्प्लेक्स वन से बाइंड करके ये उन्हें मार देगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए प्रोटॉन्स पंप नहीं हो पाएंगे प्रोटॉन्स पंप नहीं हो पाए तो उसकी वजह से जितने होने चाहिए ठीक है सारे प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं रुक रही है कॉम्प्लेक्स वन जो है जो चार प्रोटॉन्स का पंपिंग करता है वो रुक जाएगी तो उसके रुकने की वजह से डिजायरेबल अमाउंट ऑफ एटीपी वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाएगा यू हैव टू रिमेंबर दैट रोटेन इज अ प्लांट प्रोडक्ट प्लांट से निकाला जाता है ये ठीक है तो प्लांट प्रोडक्ट इसे बोला जाता है क्लियर है तो एक इनिबिटर हमने डिस्कस कर लिया अब अगला देखते हैं सो नेक्स्ट इनहेबिटर ऑल्सो बाइंड टू कॉम्प्लेक्स वन एंड इट इज नोन एज एमो बारबिटल एमो बारबिटल इट इज ऑल्सो नोन एज अमाइटल अमाइटल भी इसे बोला जाता है ये भी कॉम्प्लेक्स वन से बाइंड करता है और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को रोकता है तो कॉम्प्लेक्स वन से बाइंड करने वाले तीन इनिबिटर्स मेजरली आपको याद रखने हैं एक हो गया रोटेनॉन, एक एमो एमोबार्बिटल जिसे अमाइटल भी बोलते हैं और एक और तीसरा लिख देती हूँ मैं ऊपर की साइड तो थर्ड इनिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स वन इज नोन एज पिरिसाइडिन, पिरिसाइडिन ए क्या होता है ये एक टाइप की एंटीबायोटिक होती है एंटीबायोटिक कैसे काम करेंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोक के वैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका अलग अलग टारगेट होता है कोई प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है कोई सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है तो यहाँ जो एंटीबायोटिक पेरिसाइडिन ए की हम बात कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट कर देती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे और एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि इट कम्पीट इट कम्पीट्स विद को एंजाइम क्यू जिसे यूबी क्विनॉन हमने पढ़ा था तो को एंजाइम क्यू से कम्पीट करती है इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए ठीक है तो पेरिसाइड इन ए जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स थ्री की साइड नहीं होने देगी क्योंकि ये को एंजाइन क्यू यानी से कम्पीट करती है तो यूबी से पहले ही इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती है और इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास नहीं होने देती तो ये तीन कॉम्प्लेक्स वन को बाइंड करने वाले कुछ इनिबिटर्स हमने पढ़े हैं अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री से बाइंड करने वाले तो इसे क्लियर करके फिर देखते हैं तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स थ्री से बाइंड करने वाला ये है फोर्थ इनहिबिटर का नाम जिसे बोलते हैं एंटीमाइसिन ए क्या बोलते हैं एंटी माइसिन ए ठीक है एंटीमाइसिन ए होता है ये किससे बाइंड करता है सबसे पहली चीज इट इज आल्सो एन एंटीबायोटिक ये भी एंटीबायोटिक है दूसरी चीज इट इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स थ्री तो कॉम्प्लेक्स थ्री को ये इनहिबिट कर देता है ठीक है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आगे की साइड नहीं हो पाएगा यानी कॉम्प्लेक्स फोर तक नहीं जा पाएगा और अल्टीमेटली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा नेक्स्ट एंड लास्ट जो इनिबिटर्स हम पढ़ने वाले हैं उनके नाम हैं। कौन सा कलर लेंगे लेते हैं तो इनका नाम है साइनाइड सुना होगा साइनाइड से डेथ हो जाती है एकदम से किस वजह से क्योंकि साइनाइड जैसे ही जीप को टच करता है वैसे ही जो भी सेल्स है हमारी बॉडी के वहां पे उसका ट्रांसफर होता है वहां के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जाता है और जो भी वहां के कॉम्प्लेक्सेज हैं जो इन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से बाउंड है उनके कॉम्प्लेक्स फोर को टारगेट करता है और अल्टीमेटली जो टर्मिनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का यानी ऑक्सीजन उसको ट्रांसफर नहीं होने देगा ये इलेक्ट्रॉन्स को तो साइनाइड है इसके अलावा एजाइड एजाइड भी एक पोटेंट इनहिबिटर है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन का यहाँ आपको याद रखना है सोडियम सोडियम एजाइड एजाइड नाम का आपने केमिकल सुना होगा साइनाइड बहुत सारे लोग इन्हें सुसाइड के लिए यूज करते हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर रोक देते हैं इसके अलावा एक और होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड आपने एक चीज सुनी होगी कि हमें जब भी जैसे अंगीठी वगैरह की बात सुनी होगी आपने कि अंगीठी जब भी एक क्लोज्ड रूम में चलाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उस रूम में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा एफिशिएंटली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बाइंड करके फिर डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचा दिया जाता है बॉडी में और फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 फोर से बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स फोर जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है हर एक सेल के उससे बाइंड करता है और फिर साइटोक्रोम जो है उसकी ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड फॉर्म से बाइंड करके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होने देता तो ऑल दीज थ्री इंटर्न इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स फोर ठीक है कॉम्प्लेक्स फोर को ये इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स फोर को ठीक है नेक्स्ट चीज अगर कॉम्प्लेक्स फोर को ये इनहिबिट करेंगे तो ये एक और चीज इनहिबिट करेंगे क्या है वो चीज इनहिबिट्स टर्मिनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी इनहिबिट कर देता है ये कहां पे हो रहा है उनका ट्रांसफर उनका हो रहा है ट्रांसफर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ठीक है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने नहीं देगा तो इट बेसिकली रिएक्ट्स विद साइटोक्रोम और वो साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज हो सकता है या फिर रिड्यूस्ड हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड समझ आया मोस्टली क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम से बाइंड करने वाले होते हैं ये कार्बन मोनो ऑक्साइड रिड्यूज फॉर्म से बाइंड करता है साइट है क्लियर तो हमने पांच मेजर ग्रुप्स जो थे इनहिबिटर्स के उनके बारे में पढ़ा जिनमें से तीन जो थे वो थे कॉम्प्लेक्स वन को टारगेट करने वाले एक था कॉम्प्लेक्स थ्री को टारगेट करने वाला और लास्ट जो हमने थ्री ए की ग्रुप में पढ़े हैं ये सब कॉम्प्लेक्स फोर को टारगेट करते हैं अब इनिबिटर से रिलेटेड एक और चीज यूज होती है टर्म यूज होती है वो डिस्कस कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे अब क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो भी काफी चलाक हैं वो क्या करते हैं कि साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे अपना लेते हैं ताकि वो साइनाइड जैसा पॉइजन अगर प्रेजेंट हो तब भी वो सरवाइव कर सकें तो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे जो होता है ये कैटेलाइज किया जाता है बाई एंजाइम उस एंजाइम का नाम लिख लेते हैं उसका नाम है ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज ठीक है ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज है इसका नाम ये करता क्या है इस पाथवे में होता क्या है तो यहां एक चीज होती है यानी एन जो है वो ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहां से कहा जाएंगे को एनजाइम क्यू के पास डायरेक्टली देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वन इन बिटवीन ठीक है तो कॉम्प्लेक्स वन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली एन से को एनजाइम क्यू के पास यानी यूबिक्विन के पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और यहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं देख लो आप कितने चलाक है कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं है ठीक है तो कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री या फोर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एज सच हो रहा है और इसको करने में ये एंजाइम बहुत हेल्प करता है इनकी ठीक है अब एक चीज आप नोट करोगे क्योंकि यहां कॉम्प्लेक्सेज इन्वॉल्व नहीं है तो देयर वुड बी नो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स नो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स पंप ही कैसे होंगे ठीक है हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं कॉम्प्लेक्स वन टू फोर वही प्रोटॉन्स का पंपिंग करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार प्रोटॉन्स का पंपिंग करते हैं या दो प्रोटॉन्स का पंपिंग करते हैं तो वो पंपिंग यहाँ नहीं हो पा रही है ठीक है अगर प्रोटॉन्स पंप नहीं होंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर नहीं बना माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अराउंड तो एटीपी भी सिंथिस नहीं होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर ए बनता भी है इफ़ देयर इज डेसीपेशन ऑफ एनर्जी तो वो एनर्जी मेनली डेसीपेट होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट हीट की फॉर्म में वो सारी एनर्जी बाहर चली जाती है किसी को कोई डाउट है इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं उसका उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी अभी तक हमने जो भी इनिबिटर्स के बारे में पढ़ा हो उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अगर आपको कुछ भी चीज समझ ना आई हो तो वो समझ जरूर आ जाएगी तो वो देखते हैं चलो अच्छे अच्छे कलर्स लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है एन था ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा कॉम्प्लेक्स वन के पास उसके थ्रू कहाँ जाएंगे को एनजाइम क्यू के पास क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता कौन प्रोटेनॉन क्योंकि बताया मैंने रोटेनॉन बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स वन से इसके अलावा जो हमने और पढ़े हैं जैसे कि हमने पढ़ा है एमओ एमोवार अमाइटल या फिर पेरिसिडिन ए ये सब भी कॉम्प्लेक्स वन से ही बाइंड करते हैं तो उनकी बाइंडिंग भी यही होगी जैसे कि रोटेनॉन की जगह आप लिख सकते हो ठीक है इसके अलावा जब को एंजाइन क्यू के पास वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उनका ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम बी के पास अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस कॉम्प्लेक्स से किस साइड हो रहा है तो मैं वीडियो ऊपर लिंक कर दूंगी आप उसे जरूर देखिएगा उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन के बारे में डिटेल में बताया है। जब साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है तो वहां से जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स थ्री के पास कॉम्प्लेक्स थ्री से होते हुए जाते हैं साइटोक्रोम सी वन के पास और वहां से कहा जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास ठीक है इनहिबिटर फिर लिखते हैं यहाँ पे तो साइटोक्रोम सी के बाद कहा जाएगा साइटोक्रोम ए ए के पास फिर यहां से कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन्स का पैसेज होता है और फोर से जाते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास आप देख लेते हैं रोटेनॉन के अलावा और कौन सा इनिवेटर है एक इनिवेटर रोटेनॉन हमने पढ़ लिया है और बाकी के दो भी मैंने आपको बता दिए हैं जो इसी टारगेट पे बाइंड करेंगे ठीक है स्टार बना रही थी क्या बन गया ठीक है अब क्या चीज आपको ध्यान रखनी है साइटो ये जो कॉम्प्लेक्स थ्री है इससे भी एक इनिवेटर बाइंड करता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होने देता है तो उसका नाम क्या पढ़ा था हमने एंटी माइसिन ए ठीक है तो वो यहाँ बाइंड करता है तो ये हो गया दूसरा इनिविटर इसके अलावा हमने पढ़े थे साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब पढ़ा इसके अलावा एजाइड पढ़ा तो यहाँ लिख देते हैं साइनाइड हो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या एजाइड हो ये तीनों बाइंड करते हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फोर से और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होने देंगे ठीक है ऑक्सीजन तक यही चीज हमने डिस्कस करी थी अब अल्टरनेटिव पाथवे भी देख लेते हैं जो अभी हमने साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे देखा जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कैटेलाइज करता है तो वहां क्या होता है इसके लिए एक और कलर ले लेते हैं एन so, से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जाते हैं को एनजाइम क्यू के पास नो ऑफ़ कॉम्प्लेक्स ठीक है और यहां से डायरेक्टली चले जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास ठीक है ये प्रोसेस हो रही है वहां तो यहां इन्वॉल्व है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम क्लियर इनिबिटर्स से रिलेटेड यही सब टॉपिक था जो हमें पढ़ना था नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कैमिओसमोटिक हाइपोथेसिस के बारे में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड इसके अलावा साइकिल ग्लाइकोलोसिस से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाई हैं अगर वो भी आपको देखनी है तो मैं उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी आप उन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं थैंक यू सो मच